चार्ल्स बेबेज थे वो कहाँ से थे? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, इंग्लैंड बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब ओके सर, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला बोला गया था, कुछ आइडिया है आपको? फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि यानी टाइटल क्यों दिया गया था इनको, कुछ नो सर, कोई आइडिया नहीं। आइडिया? या फिर किसी को जैसे महात्मा गांधी है, अब उनको महात्मा के महात्मा का एक टाइटल क्यों दिया गया था, कुछ आइडिया? कुछ नो सर, देखो, जब भी कोई भी पर्सन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तभी उसको एक टाइटल दिया जाता है। जैसे अभी आपने एक मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा यस सर, भाग, है ना, तो यस उनको सर, एक टाइटल दिया गया था फ्लाइंग सिख का, यस सर, फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया गया था। अब वो किस पर्पज से दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या है पाकिस्तान में जाके एक ऐसी रनिंग की थी जिससे क्या है, वो हर कोई कहते हैं शौक लग गया था कि भाई इतना फास्ट कौन दौड़ सकता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की यस थी। तो सेम ऐसे ही चार्ल्स बेबेज ने किया था कि पहले लोगों को काम करने में क्या, जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी काम करना हो, तो उनको काफी टाइम लगता था। लेकिन यस जब सर, से कंप्यूटर आया था तो हम इजिली उसको, हम मान के चलो, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 + 2 कितना होता है तो आप इजिली बता दोगे 4, है ना। यस सर, लेकिन मैं आपसे बोलूँ यस कि 29 + 78 + 98 + 279 + 279, तो इसको कितना, इसको प्लस करके क्या आंसर आएगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। बट क्या कंप्यूटर क्या करता है, उसी को कुछ ही सेकंडों में आपको रिजल्ट आउटपुट दे देता है। तो ये लोगों के लिए क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पता चली उन्हें कि भाई आप जो भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, आप उसको एक शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो जिस वजह से क्या है, जो वहां के यूके के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनको, चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले जो आता है हमारा इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो क्या था, कहाँ पे यूज किया गया था, कौन सा था? तो जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है वो है डिफरेंस इंजन। हमने अब तक एबेकस एबेकस पढ़ा है स्कूलों में, एबेकस एबेकस एक बड़ा सा पूरा हॉल जितना कंप्यूटर होता है एबेकस, वही बताया था कि भाई एबेकस नाम का जो सबसे पहला कंप्यूटर था। लेकिन उससे भी पहले कंप्यूटर था एक डिफरेंस इंजन, जिसको 1822 में बनाया था, उन्होंने इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। अब जो एक कंप्यूटर था ये क्यों क्यों बनाया गया था, ये मैंने अभी आपको पहले बताया भी है कि ये हमारा कैलकुलेशन सर पर्पस से बनाया नॉर्मल, गया था, है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब यस उसके सर, बाद में जब उन्होंने डिफरेंस इंजन बना लिया तो उन्हें थोड़ा कुछ कहते हैं ना, कुछ कमी लगी उनको कि डिफरेंस इंजन में यस कुछ सर, ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ चीजें कमी है, तो उसके चक्कर में उन्होंने एक और इन्वेंशन की थी जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जिसका इन्वेंशन किया था उन्होंने 1833 में, ठीक है। ओके सर, अब 1833 में पहले हम वो ऑलरेडी एक कंप्यूटर बना चुके थे डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन बनाने के बाद में उनको एनालिटिकल इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई कुछ तो वजह होगी जिस वजह से उन्होंने डिफरेंस इंजन की जगह एनालिटिकल यस इंजन को बनाया, सर, है ना। तो उसमें क्या डिफरेंस था दोनों में, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में, जो हमारी ये कंप्यूटर में जो भी आप देखते हो ना, अल्फाबेट देखते हो, नंबरिंग देखते हो, कुछ भी देखते हो, ये यस सब सर, क्या है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करती है। बाइनरी डिजिट्स होती है कंप्यूटर में, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1, ठीक है, ओके सर, 0 और 1। जैसे पहले क्या है, डिफरेंस इंजन जो ये वाला डिफरेंस इंजन है, इसमें अगर मान के चलो मुझे लिखना है 5, यानी 5 लिखना है, तो मैं 5 के लिए क्या करना पड़ता था, 0 1 0 1 0, 1 0 1 0, यस इस तरह से हमें कोड लिखना पड़ता था उसका, जिसके थ्रू क्या है वो कैलकुलेशन करता था। बट जब ये हमारा एनालिटिकल इंजन आया, तो एनालिटिकल इंजन में क्या है, वहां पर 0 1 0 1 लिखने की जगह डायरेक्टली आपको 5 लिखना है, बस 5 लिख दिया, 5 + 5 लिख दिया, और आपका आंसर 10 आ गया। तो ये डिफरेंस था, जो यस सर, डिफरेंस इंजन था वो नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया था, लेकिन जो एनालिटिकल इंजन था वो एक्स्ट्रा जितने भी आप कर सकते हो, यानी ऑल कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, सारा कुछ आप एनालिटिकल इंजन में कर सकते थे। तो इस पर्पस से एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। अब इसकी यहाँ पर दो डेट दी गई है, एक हो गया हमारा डिस्कवर डेट और एक कमर्शलाइज डेट। अब इन दोनों में क्या है,
जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था तो 1833 में उन्होंने इन्वेंट कर दिया था, बट उसको क्या है कमर्शलाइज नहीं किया गया था। कमर्शलाइज पता है क्या होता है? नो सर, नहीं पता? मतलब देखो ना ये सर बताओ। ना, आप थोड़ा सा सोचो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कमर्शलाइज। सर जितना सर आप कह सकते, पब्लिश किया, पब्लिश हाँ पब्लिश, हाँ गुड, किया मतलब कह सकते हैं, लोगों के दोबारा सामने लाया गया। कि एक ही आता है, एक होता है कि जो 1833 में बनाया गया था वो नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया था, जैसे हम कहते हैं एक इंटरनल यूज, जैसे आप कोई भी एक नया जी प्रोडक्ट सर, बनाओ अपने घर पे, आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया उसको आप अपने घर में ही यूज कर रहे हो, है जी ना। सर, आप जैसे मान के चलो तो आप कोई भी नई डिश बनाते हो, है ना, आपने मान के चलो तो यस चाउमिन सर, बनाए, मोमोज बनाया, कुछ भी बनाया आपने, एक्स वाइजेड कुछ भी यस आपने क्या है उसको इंटरनली बनाया और खा लिया, तो ये हो गया सर, आपका इंटरनल यूज। लेकिन जी कमर्शलाइज क्या है कि आप वही चीज बना रहे हो और बाहर आप पब्लिक को सेल कर रहे हो, तो वो हो गया एक कमर्शलाइज, यानी आप जो चीज आप बना रहे हो इन्वेंट कर रहे हो आप उसको खा भी रहे हो और पब्लिक को खिला भी रहे हो, तो वो होता यस है सर, कमर्शलाइज। तो सेम ऐसे ही एनालिटिकल इंजन का कह रहे थे कि 1833 में तो उसको बना दिया था, तो 1833 से लेकर यस सर, 37 तक उसको नॉर्मल यूज यानी इंटरनली यूज के लिए ही यूज किया गया था, कि भाई अपना जो भी है इंटरनली वर्क करते थे उसपे, एक तरह से वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में जी क्या है 1837 में उसको कमर्शलाइज कर दिया था, कि यस सर, 1837 में उसको पब्लिश कर दिया था कि भाई आप अब इसको कोई भी परचेज कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है ना, तो यस सर, 1837 में कमर्शलाइज कर दिया था। अब एक चीज बताओ आपके अकॉर्डिंग पहले जो हमारे कंप्यूटर होते थे वो कितने छोटे होते थे, छोटे होते थे, बड़े होते थे, और कितने बड़े होते थे, कुछ आइडिया आपको? सर काफी बड़े होते थे, मतलब काफी बड़े फिर भी का अंदाजा। ये ऐसे टेक जैसे टीवी वगैरह का देखते हैं, पहले अच्छा ये जो टीवी आपके अकॉर्डिंग है देखते थे। हाँ टीवी, तो यस जो सर, देख जो पहले के कंप्यूटर होते थे, एक रूम होता है ना, रूम 10 बाय 10 यस का, 8 बाय 10 का, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर वहां से लेकर, और अब आपके पॉकेट में आपने देखा होगा आपको मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्ट यस सर, वॉच, यस स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सब क्या है, एक सर, कंप्यूटर का तो पार्ट है, तो यस यही सर, तो टेक्नोलॉजी। तो वहां से लेकर एक रूम से लेकर और एक पॉकेट में आने में कितने चेंजेस आए होंगे, कितना कितना चेंज आया होगा उसमें, है काफी ना। तो चेंजेस उसमें क्या आएंगे। हुआ है कि उसको यस सर, चेंज लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी ट्रांसपोर्टेशन की, कि मान के चलो आपने कंप्यूटर ले तो लिया, अब आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ा या फिर आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, तो भाई आपको तो व्हीकल चाहिए, कोई हैवी व्हीकल चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाते हैं, है ना। सबसे यस सर, पहली प्रॉब्लम यस सर, ट्रांसपोर्टेशन की, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हमारे जो टीवी होते हैं ये कंप्यूटर होते हैं, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ज्यादा करते हैं ना, वो तो यस छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर है वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता होगा, वो भी उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती थी, है ना। यस दूसरा ये हो सर, गया इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हीटिंग, हीटिंग कैपेसिटी, कभी भी आप देखना आप जहां भी आप रहते हो, आप मान के चलो आपने कंप्यूटर रखे हुए, दो तीन रखे हुए हैं, आप वहां का टेम्परेचर देखना और बाहर का टेम्परेचर देखना, तो दोनों में डिफरेंस मिलेगा आपको, कि जहां पे आपने यस कंप्यूटर रखे हुए हैं तो वहां पे क्या हीट होगी, किसी भी आप यस इंस्टीट्यूट में सर, देखोगे तो वहां पे एसी क्यों रहता है, क्योंकि जो कंप्यूटर जो चलते हैं उससे हीट निकलती है, तो उस हीट को रिजोल्व करने के लिए वहां पे एसी लगाया जाता है, जिससे क्या है टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उन छोटे छोटे कंप्यूटर में से इतनी हीट निकलती है, तो इतना बड़ा कंप्यूटर होता है तो उसमें से कितनी हीट निकलती होगी, तो इसी पर्पज से कंप्यूटर में चेंजेस किए गए। इसमें टोटल 5 जनरेशन चेंज हुई है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ, वो यस टोटल जो अब हमें लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जितने भी यूज कर रहे हैं ना, वो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं, वो मैं यस आगे जब जनरेशन वाला चैप्टर होगा तब आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सर, कुछ आइडिया कुछ सर दिमाग में आ रहा हो?
जैसे मॉनिटर, आप क्या, एलसीडी, मॉनिटर, अकॉर्डिंग। एलसीडी, मॉनिटर एलसीडी तो एक ही हो गया। कंपोनेंट्स नो नो सर, ऑफ मुझे थोड़ा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं ओके। कंप्यूटर के। कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। हाँ, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो जो हमारे ओके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। सबसे पहले जो हमारे मॉनिटर होता है, मॉनिटर आपने देखा होगा। अब मॉनिटर भी आपने यस। पुराने जमाने वाले मॉनिटर देखे, पहले वाले कौन से टीवी सर? देखे, पहले जो पहले टीवी आते थे घर में वो देखे। यस सर, जो व्हाइट होते थे। हाँ, व्हाइट होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, प्लस में उनका बैक साइड कितना निकला हुआ रहता यस था, है सर, ना। जैसे टीवी होता था ना। हाँ यस बिल्कुल। सर, तो सेम ऐसे ही हमारे पहले मॉनिटर होते थे। तो मॉनिटर में क्या था कि वो उनके लिए स्पेस चाहिए पूरा, क्योंकि उनकी एक अलग टेबल होती थी, पूरा स्पेस चाहिए, प्लस में हीटिंग ये सब, और ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां से भी कंप्यूटर मॉनिटर में भी चेंजेस आए। पहले जो हमारे वो क्या वो होती थी, वो सीआरटी, सीआरटी के टीवी होते थे यस सर, वो। तो सीआरटी, सीआरटी के बाद में फिर चेंजेस आए, फिर उसके बाद एलसीडी, अब हमारे जो चल रहे हैं एलईडी वाले चल रहे हैं। जितने भी आप यस देखोगे ना सर, मॉनिटर स्क्रीन, जितनी भी देखोगे आप, अब ये होती है एलईडी वाली। जैसे हमारे घर में एलईडी बल्ब होते हैं ना, तो इनमें क्या रहता है, छोटे छोटे माइनर माइनर से एलईडी बल्ब लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक तो हीट कम निकलती है, फिर दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी कम करते हैं, पावर कंज्यूप्शन कम रहती है इनकी, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा जो मॉनिटर होता है किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू शो द वर्क व्हाट इज डन बाय अस। ये क्या काम करता है हमारा, जो भी हम काम करते हैं मॉनिटर में, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, भाई काम हमारा क्या करता है, सीपीयू करता है, लेकिन सीपीयू से शो क्या कराता है हमारा मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है, कुछ भी हम काम करते हैं तो वो मॉनिटर पे शो होता है, ठीक है। तो मॉनिटर का काम क्या यस होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें शो कराता है वो। शो कर। हाँ, सेकेंड ये होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब पहले मैं आपको एक डिवाइस समझा देता हूँ, ये आउटपुट डिवाइस होता क्या है, ये डिवाइस कौन से होते हैं। सबसे पहले जो डिवाइस होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं तीन तरह के डिवाइस, तीन से चार तरह के डिवाइस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इनपुट डिवाइस, सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस, थर्ड होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक होता है हमारा मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज। बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, ओके ठीक है। सबसे पहला हमारा इनपुट यस डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कमांड देते हैं। यानी आप कोई भी कमांड दे रहे यस हो, आपको जैसे काम करना है तो आप काम करते हो किसी के थ्रू करते हो, जैसे माउस के थ्रू, आपको यस सर, सेलेक्ट करना है तो माउस के थ्रू करते हो, आपको कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है तो कीबोर्ड के थ्रू करते हो, है ना। यस सर, तो यस सर, ऐसे डिवाइस जिनके थ्रू हम कोई भी कमांड देते हैं तो उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। शायद इसमें लिख रहा होगा, देखते हैं एक सेकेंड, वेट, इसमें है नहीं। चलो मैं आपको बाद में जब पीडीएफ शेयर करूंगा तब आपको उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सारा लिखा रहेगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, जिनके थ्रू हम कोई भी कमांड देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या आप लिखते हैं, माउस, यस माउस, सर, माउस से क्या करते हैं, हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, माउस से करते हैं। तीसरा क्या होता है, माइक, माइक से क्या करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी माइक, आपको बात करनी हो तो आप बोलेंगे किसके थ्रू, माइक के थ्रू, है ना। फोर्थ क्या यस होता है, सर, आप स्कैनर देखें, स्कैनर, यस सर, यस सर, स्कैन, कोई भी स्कैनर हो, जैसे हमारा प्रिंटर का स्कैनर होगा, क्यूआर कोड स्कैनर हो गया, आधार कार्ड वाला स्कैनर हो गया, कोई सा भी स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है, आप उसके थ्रू स्कैन करते हो, तो स्कैनर भी एक यस हमारा इनपुट डिवाइस है। एक और होता है, आपने जॉयस्टिक नाम सुना है, जॉयस्टिक क्या होती है। यस यस सर, हाँ, जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं बच्चों के लिए यूज किया यस जाता है, तो जॉयस्टिक से क्या है, हम गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। सेकंड क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस वो मॉनिटर, डिवाइस होते हैं जो हमें रिजल्ट शो कराते हैं, जिनके यस थ्रू क्या है, हमें रिजल्ट मिलता है, यानी आप कोई भी काम करते हो तो वो आपको रिसीव होता है। जैसे एग्जांपल मॉनिटर, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई मैंने कुछ भी काम किया तो वो हमें मॉनिटर पे शो हो रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। सेकंड प्रिंटर, प्रिंटर, आपने कोई भी कमांड दी, अपने सॉफ्ट कॉपी से क्या है, मैंने कमांड दी तो सॉफ्ट कॉपी क्या करेगा, वो हार्ड कॉपी में यानी मुझे प्रिंट दे देगा, पेपर में दे देता है ना प्रिंट, जो भी आप प्रिंट निकालते हो। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। थर्ड क्या है, प्रिंटर के बाद में स्पीकर,
स्पीकर कैसे आउटपुट डिवाइस है बताओ। सर हम जैसे मैक में बोलते हैं स्पीकर में आउटपुट आती है। आउटपुट मतलब कि आप जो भी बोलते हो माइक के थ्रू बोलते हो तो आपको सुनता है, यानी आपको रिसीव हो रहा है कुछ चीज, है ना, कोई रिसीव भी हो चीज रही है। रिसीव हो यस रही है, सर तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। फोर्थ यस फोर्थ क्या होता है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने प्रोजेक्ट देखे क्या होते हैं, कहाँ कहीं देखे हो आपने। सर जैसे आजकल तो स्मार्ट क्लास में भी लगा होता है, वेरी गुड। जो हम कहते हैं कुछ भी बच्चों को अपना आईडीज वगैरह देने तो प्रोजेक्टर ही शो करते हैं बिल्कुल। ऐसे। तो और कहीं आपने प्रोजेक्टर देखे हो। सर जैसे हम कहते हैं सिनेमा हॉल में हाँ बड़े वेरी बड़े थिएटर। गुड। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कभी भी हम मूवी देखने जाते हैं तो अब इतना बड़ा तो कहीं टीवी नहीं होता है, कितना बड़ा वो पर्दा रहता है, जो व्हाइट पर्दा बोलते हैं जिसको, कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा तो टीवी नहीं रहता है, तो बैक साइड से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है यानी प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहा है उस पर्दे पर, तो वो होता है हमारा प्रोजेक्टर। अब उस प्रोजेक्टर के थ्रू क्या रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है ना उस प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट मॉनिटर हो गया, उसके बाद आता है हमारा माउस। माउस क्या, आपने माउस तो नॉर्मली देखे होंगे कैसे माउस होते हैं, है ना। अब ये माउस होता है, अब माउस का यूज क्या किया जाता है। सर एक तो हमें कुछ भी डाटा सिलेक्ट करने के लिए, हाँ वेरी गुड। कोई भी आपको डेटा सिलेक्ट करना हो, कोई फोल्डर ओपन करना हो, यानी माउस क्या करता है, आपके काम को इजी प्राइमरी। कर देता है, इजी कर देता है ना। माउस क्या करता है, आपके काम को, भाई अगर मुझे मान के चलो मुझे माउस पे जाना हो, तो मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो मुझे कितना टाइम लगता है, काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने माउस को लिया तो मैं माउस पे इजिली जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे जाना तो यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, कहीं भी मैं ऑल ओवर पूरी स्क्रीन में कहीं भी एक साथ जा सकता हूँ, तो माउस क्या कर रहा है, हमारे काम को इजी कर रहा है ना। अब जो हमारे माउस होते हैं उसमें भी हमारे तीन बटन होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, और एक होता है हमारा स्क्रोल बार। ठीक है, अभी हमारा लेफ्ट बटन क्या काम करता है, यहां देखोगे आप, ओपन और सिलेक्ट फोल्डर, ओपन और सिलेक्ट फोल्डर। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे, अब मुझे कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे ये वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये नॉर्मली सिलेक्ट हो गया है ना, अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, हो गया ओपन, यानी आप क्या है, सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं तो ओपन कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद में स्क्रोल बार, अब स्क्रोल बार क्या करता है, हमारा स्क्रोल करता है, जैसे मैं वो नीचे कर रहा हूं है ना, ऊपर करना है तो स्क्रोल स्क्रोल अप करूंगा, नीचे करूंगा तो स्क्रोल डाउन करूंगा, ऊपर करूंगा तो स्क्रोल अप करूंगा, जो बीच में दिख रहा है ना ये, है ना, ये स्क्रॉल इसको बोलते हैं स्क्रोल बार, तो ये क्या करता है, स्क्रोल करता है, अप और डाउन करता है स्क्रोल। नेक्स्ट होता है हमारा राइट क्लिक, राइट क्लिक क्या करता है, हमारे प्रॉपर्टीज को ओपन और मेन्यू को ओपन करता है, जैसे मैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक करता हूँ, मैं राइट बटन क्लिक किया, प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है ना ओपन, ठीक है। उसके अलावा मैं अब यहाँ पर फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ, तो मैंने राइट बटन क्लिक किया तो यहाँ से उसका पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ से जाकर इसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकता हूँ, जो भी मुझे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है, सोलो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। नेक्स्ट ये हमारा कौन सा डिवाइस होता है, ये सेम इनपुट डिवाइस होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड अब यस ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह का कीबोर्ड हो, सर यस ही तरह का कीबोर्ड तो नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप कंपनियों के थ्रू आप देखते हो तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कीबोर्ड होते हैं, है ना। यस अब सर किसी भी कंपनी का यस कीबोर्ड देखोगे ना, सब टोटली डिफरेंट मिलेंगे आपको, कोई भी सेम नहीं मिलेगा, किसी में कितने कीज होंगे, किसी में कितने, तो जो हमारे कीबोर्ड होते यस हैं, कीबोर्ड में टोटल अराउंड कितनी कीज होती है, 104 यानी 104, किसी में 104 होंगी, किसी में 104 प्लस होंगी, यानी अराउंड यही रहती है हमारी जो कीबोर्ड में कीज रहती है यस टोटल, किसी भी कीबोर्ड में देखोगे तो आपको इतने ही मिलेंगे, आपके लैपटॉप में कम मिलेंगे, लेकिन जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें आपको इतने ही कीज मिलेंगे। अब जो हमारा कीबोर्ड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, टाइपिंग के लिए, कि आपको कुछ भी टाइप करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो आप कंप्यूटर में इजीली लिख सकते हो, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, क्लियर। यस सर सेम मैंने अभी आपको बताया था, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, आप क्या है कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी कमांड दे सकते हो, कुछ भी आपको डेटा लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, डाटा इनपुट टाइप कर डिवाइस, सकते इसमें कीबोर्ड के थ्रू क्या कर सकते हो आप बताओ।
क्या सर, दोबारा रिपीट करें कीबोर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर। डाटा टाइप कर सकते हैं कोई डाटा टाइप रैंडम कर सकते में? हैं ना। ठीक है, अब जो यस सर। हमारे कीबोर्ड होता है उसमें टोटल कितनी कीज होती है, 104, यानी 104, 104 प्लस। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी कीज होती है, अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज कौन सी होती है, आप जो ये देख रहे हो ना, ये हमारी ए अल्फाबेटिक कीज टू होती है। क्लियर, यस। जितनी भी कीज होती है ये हमारी अल्फाबेटिक कीज होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी फंक्शन कीज, ये होती है हमारी F1 से लेकर F12 तक, टोटल 12। ये जो ऊपर दिख रही है F1, F2, F3, F4, यहाँ तक F12 तक, ये टोटल कितनी कीज होती है हमारी, 12, है ना, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट होती है हमारी न्यूमेरिक कीज, 0 से लेकर 9 तक। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एक ही हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, दूसरी ये हो गई। तो टोटल हमारी कितनी कीज होती है, 0 से लेकर 9 तक 2 टाइम्स होती हैं, टोटल 10 कीज होती हैं, 10 10 20, टोटल 20 कीज होगी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा सिंबल कीज। सिंबल कीज क्या होता है, सिंबल आप देख रहे हो, परसेंट का सिंबल हो गया, स्टार का सिंबल, हैश, प्लस यस माइनस सर। एटसेट्रा, यानी आप जितने भी सिंबल देख रहे हो ऊपर आ रहे हैं ना, वन से वन की जो हमारे न्यूमेरिक कीज है उनके ऊपर ऊपर आपको सिंबल जो दिख रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, सिंबल कीज है, यानी इनपे सिंबल जो भी आपको शो हो रहे हैं। अभी सिंबल कैसे यूज होते हैं हमारे, ये हमेशा शिफ्ट के साथ यूज होते हैं। जो भी आप सिंबल देख रहे हो, कभी भी आपको जैसे एक के ऊपर वाला ये सिंबल लिखना है, तो इसको आप कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करके, वही तभी सिंबल आएगा। जैसे आपको एट द रेट चाहिए तो आप एट द रेट के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपका एट द रेट आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं, ऊपर वाली जितनी भी कीज होती है, यानी कीज पे जो भी सिंबल्स हो रहे हैं, वो हमेशा शिफ्ट के साथ ही यूज हो गए। ठीक यस है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में क्या क्या आ सर। जाता है, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, कैप्स लॉक, विंडोज, एटसेट्रा। आप जितने भी कीज देखते हो यहाँ पर, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडो हो गया, ऑल्ट हो गया, स्पेस बार, ये सारे हमारे स्पेशल कीज होते हैं। जितनी भी आप कीज देख रहे हो ना यहाँ पर, ये टोटली हमारी सर स्पेशल कीज होती हैं। यानी आप क्या है, इनका एक अलग ही यूज होता है सभी का। एंटर किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी आपको एक तरह से उसमें अंदर जाने के लिए भी करते हैं, और वर्ड में आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी करते हैं। तो हर किसी कीज का एक अलग अलग यूज है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, हमारे कीबोर्ड में क्या होता है, कुछ कुछ कीज हमारी सिंगल होती है, कुछ कुछ कीज डबल होती है। जैसे हमारे क्या होता है, एक होते हैं एस्केप बटन, एस्केप हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में एक ही होता है। सेकंड होता है टैब, टैब हमारा एक ही होता है। सेकंड, एक थर्ड होता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक भी एक ही होता है। होता उसके अलावा नेक्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट होते हैं हमारे एक और दो। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल एक और दो, उसके अलावा विंडो एक और दो। किसी किसी कीबोर्ड में विंडो एक भी हो सकता है, किसी किसी कीबोर्ड में विंडो दो भी हो सकते हैं। ऐसे सेम ऑल्ट बटन, ऑल्ट भी किसी में एक हो सकता है और किसी में दो हो सकते हैं। जैसे सामने वाले हमारे कीबोर्ड है, इसमें ऑल्ट बटन दो है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। नेक्स्ट, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा होता है स्पेस बार, ये हमारा स्पेस के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक होता है। इसमें एक होता है प्रॉपर्टीज कीज, तो ये क्या है, ये भी प्रॉपर्टी कीज भी एक ही होती है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे आप बैक स्पेस, बैक स्पेस भी एक ही होता है। यहाँ पर एंटर हो गया, एंटर एक और दो, एंटर हमारे कीबोर्ड में कितने होते हैं, दो होते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा यहाँ पर हो गया आपका है शिफ्ट की। अब देखेंगे यहाँ पर एरो कीज, एरो कीज कितनी होती है, 1 2 3 4, यानी अप डाउन लेफ्ट और राइट, ऐसे यहाँ पर भी है अप डाउन लेफ्ट और राइट। राइट। क्लियर, अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारी देखिए यहाँ पर इंसर्ट है, डिलीट है। डिलीट हमारे कितने होते हैं, डिलीट एक यहाँ पर हो गया और एक ये हो गया। तो टोटल हमारे कीबोर्ड में दो डिलीट बटन होते हैं। क्लियर, उसके यस अलावा सर। नेक्स्ट हमारा होता है सीपीयू। अब ये सीपीयू क्या है, सीपीयू एक तरह से कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन क्या है, ब्रेन ही सब कुछ होता है ना, कि आपको कुछ भी करना सर हो, करवाना हो, कुछ भी एनीथिंग, यानी आप ब्रेन से ही सब कुछ कमांड देते हो। सेम हमारा कंप्यूटर में सीपीयू होता है, कि आप सीपीयू में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, सीपीयू के थ्रू आप कोई भी कमांड दे सकते हो, यानी आप कुछ भी काम करना हो आप उसको सीपीयू के थ्रू ही करना है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले चलते हैं इसमें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये एक हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। आप यहाँ पर एक फुल फॉर्म देख रहे होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग से पता चल रहा है कि हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। यानी क्या करता है ये, कि मैंने मान के चलो कीबोर्ड से कुछ भी लिखा अपने यस कंप्यूटर में, तो वो लिखने के बाद कहाँ जाता है, सीधा वो सीपीयू में।
सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, काम करता है, काम करने के बाद में वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है, यानी प्रोसेस करने वाला कौन हो गया? सीपीयू। तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारा सर होता है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सीपीयू क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? आपने देखा होगा इस तरह का बॉक्स देखा होगा, देखा है ना? तो ये क्या होता है? हमारा कैबिनेट होता है। कभी भी आपको कंप्यूटर लेना हो ना, तो सीपीयू लेने दे, तो आप अगर मान के चलो आपका सीपीयू का ऊपर का कवर टूट जाए, तो आप ऐसा थोड़ी पूरा सीपीयू लोगे, है ना? तो आप नहीं क्या, कैबिनेट उसको बोलते हैं, सीपीयू बॉक्स जिसको कैबिनेट बोला जाता है। नेक्स्ट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ये आपने देखा होगा इस तरह का, ये ग्रीन कलर की प्लेट होती है या फिर ब्लू कलर की प्लेट होती है। तो मदरबोर्ड सर क्या होता जिसमें है? डिवाइस एक तरह वगैरह से लगे थे। हाँ, सारा कुछ जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, यूएसबी होता है, सब कुछ, हीटिंग फैन, सीपीयू, सब कुछ मदरबोर्ड पे रहता है। जैसे घर में हमारी माँ होती है ना, घर में माँ क्या करती है? सबको कनेक्ट करके रखती है, पापा को, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, भाई को, बहन को, सबको कनेक्ट करके रखती है कौन? माँ। सेम ऐसे ही हमारा सीपीयू में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड क्या करता है? सबको, जितने भी इसमें कम कंपोनेंट्स होते हैं, सबको वो कनेक्ट करके रखता है वो। तीसरा होता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर को क्या हम ब्रेन ऑफ सीपीयू भी बोलते हैं। ये हमारा ब्रेन ऑफ सीपीयू। अब प्रोसेसर क्या होता है? ये जो चिप होती है, कभी भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करोगे तो हमेशा प्रोसेसर के अकॉर्डिंग लेते हो। जैसे आप बोलोगे भाई मुझे i3 5th जनरेशन चाहिए, i5 चाहिए, i6 चाहिए, तो वो प्रोसेसर ही होता है जिसके पे आप सर कंप्यूटर हार्ड कोई डिस्क भी भी कह सकते हैं है। सर, हार्ड डिस्क सर हार्ड डिस्क होता है, हो मैं अभी सकते स्टेप बाय हैं। स्टेप अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? प्रोसेसर ये क्या है हमारा, जिसको हम ब्रेन ऑफ सीपीयू बोलते हैं। यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया हमारा सीपीयू, और ब्रेन ऑफ सीपीयू क्या हो गया? प्रोसेसर। यानी ये प्रोसेसर ही पूरे सीपीयू को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हमारा फैन। फैन कौन से होते हैं? ये हमारे हीटिंग फैन होते हैं, हमारे घर वाले फैन नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं? हीटिंग फैन। हीटिंग फैन आपने देखा होगा इस तरह का, घर में देखा है? कुछ याद आ रहा है इस तरह का फैन को देखकर? ये क्या होता है? हमारा हीटिंग फैन होता है जो हीट को बाहर निकालता है। जो भी हमारा सीपीयू जब हम काम करते हैं ना, तो वो क्या है, हीट निकलती है उसमें से, तो उस हीट को वो बाहर निकाल के फेंकता है, जिससे क्या हमारा प्रोसेसर हो गया और हमारा जो सीपीयू वो एक तरह से वेल कंडीशन में चलता है, ठीक है? फैन के बाद में नेक्स्ट होती है हमारी रैम। रैम में आपने देखी होगी, आपने गेम वगैरह खेले होंगे बचपन में, इस तरह की हमारे रैम होती है। रैम में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, DDR1, DDR2 और DDR3। नेक्स्ट हमारा होता है हार्ड डिस्क, जिसके बारे में भी आप कह रहे थे। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें कोई भी डाटा हमारा स्टोर होता है। कोई भी हम काम करते हैं तो किसमें स्टोर होता है? वो हार्ड डिस्क में ही हाँ होता है, डिस्क ठीक है? तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? जो भी आप स्टोर डेटा करते हैं वो स्टोर करता है सारा का सारा। नेक्स्ट होता है हमारा SMPS। SMPS क्या करता है? SMPS होता है हमारा ये जो हमारे सीपीयू को पावर सप्लाई करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारे स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी होगी शायद, ये स्विच मोड पावर सप्लाई। अब इसकी फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये किसका यूज, किस लिए किया जाता है? पावर सप्लाई करने के लिए, ठीक है? तो SMPS का यूज क्या है? पावर सप्लाई करने के लिए। यानी ये क्या करता है SMPS हमारे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। मदरबोर्ड क्या करता है? पूरे जितने भी उसमें कॉम्पोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, उन सबको कनेक्ट करता है, यानी पावर प्रोवाइड करता है। पावर प्रोवाइड करने के बाद में क्या है, वो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, वो एकदम चलने लगते हैं, क्लियर? तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कोई डाउट इसमें जितना भी अब तक बताया, कुछ समझ में नहीं आया हो, नो सर नो कुछ ऐसा कि तुम्हें कुछ पूछना हो? नो सर नो क्योंकि देखो आज का जो भी हमारे टॉपिक था, आज इतना ही है जिसमें हमने क्या थोड़ा सा एक तरह से ओवर भी लिया है कंप्यूटर के बारे में, कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम आगे करेंगे, जो कल हम आगे चलेंगे वो डेस्कटॉप स्क्रीन से, यानी जो प्रैक्टिकली हमारा यूज होगा वो क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन से हम कल आगे करेंगे। आज का था हमारा एक तरह से ओवरव्यू कंप्यूटर के बारे में, जिसके वजह से हमें क्या है पता चले कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से होती, कंप्यूटर का अब जनरेशन कौन सी चल रही है, कंप्यूटर में यूज क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं।